नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धौलाधार अपडेट्स इस चैनल को। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले 10 से 15 सालों में जो है एचपी एसएससी और एचपी पीएससी के एग्ज़ाम में जो है बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। तो हम ये वीडियो का जो है पार्ट टू है। पार्ट वन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी तो उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप पार्ट वन को भी देख सकते हो एच पी जी के की जो हमने सीरीज ये स्टार्ट करी है। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हम हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो 10 से 15 सालों में जो है पूछे जा रहे हैं बार बार। तो हमने जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो है स्टार्ट किया है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछे गए हैं तो वो हम पहले उनको कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपके लिए होने जा रही है। तो जिन कैंडिडेट्स ने जो है तैयारी कर ली है एचपी जीके की, तो वो इन वीडियो के माध्यम से जो है अपनी प्रैक्टिस दे सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है उनको आते हैं, और जो तैयारी करने स्टार्ट करने लगे हैं तो उनके लिए जो है ये एक स्टार्टअप जो होगा कि कैसे क्वेश्चन जो है एच पी एस एस सी और एच पी पी एस सी में जो है पूछे जाएंगे। तो ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, कंडक्टर और एच पी टैट का जो एग्ज़ाम होगा और लेक्चरर का। तो चलिए आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो पिछले हमने जो है 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में, तो आज हम जो है 31 क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस रियासत के क्षेत्र को 19वीं शताब्दी में दो चचेरे भाइयों वंशजों विजय सिंह और राम सिंह में विभाजित किया गया? तो वो जो रियासत थी सिब्बा रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपी कौन था? तो ये बार बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो आप ध्यान रखें। तो ये भी आप देख सकते हैं कि एचपी अलाइड सर्विसेज 2015 में जो है ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो है आपको देखने को मिलेगा जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे, और प्रीवियस ईयर आप हर पेपर जो उठा सकते हो एच पी एस एस सी का, तो उसमें जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये थॉमस कोरियर जो है राइट आंसर है, जो हर बार पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जहांगीर ने डमरी नूरपुर के किस वंशज को नगर कोट के किले पर कब्जा करने के लिए भेजा, जिसने पहाड़ी मुखियों के साथ मिलकर शाही क्षेत्रों को लूटा और बाद में मयू किले की ओर भागा? तो ये नवे तहसीलदार में पूछा गया है 2014 में, तो इसका राइट आंसर जो है सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम कांगड़ा जिले में निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है? तो इसका जो राइट आंसर है ये योल के नज़दीक है चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम, तो ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रियुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है इन्होंने एचपी लाइट सर्विसेज 2015 में जो है पूछा था, तो ये सभी को पता होगा त्रियुंड जो है ये कांगड़ा जिले में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बहन का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया, और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर जो है अनिरुद्ध चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो कौन सी जगह खदी पर बैठा, कौन जो है उसकी गद्दी पर जो है बैठा था? तो उसका जो करमचंद भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1850 से 1850 ईस्वी के राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबड़गांव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? तो इसका राइट आंसर जो है प्रताप चंद। नेक्स्ट, किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध ने महाराजा रणजीत सिंह
समक्ष झुकने की बजाय राजगद्दी का परित्याग करने की ठान ली थी। तो इसका राइट आंसर जो है, मियाँ ध्यानचंद के परिवार में अपनी बहन का विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। एकमात्र वे राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ एवं जिसके अस्तित्व का आव्रजन से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर जो है कटोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्रिटिश दंडनायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में उस समय भी एक व्यवस्थित शासन विद्यमान था जब महान रोमन साम्राज्य भी शेषावस्था में था। तो इसका राइट आंसर जो है कांगड़ा। एचपी सीडीपीयू 2014 एग्जाम में जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले का घोरान नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो स्थान है, ये इसका जो राइट आंसर है सी, वहाँ लोग जादू से रोग मुक्त होने के लिए जो है एकत्र होते हैं। नेक्स्ट, कांगड़ा को गोरखों के चुगल से मुक्त कराने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। यह सहायता प्राप्त हुई थी महाराजा रणजीत सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा जिला जो है त्रिगर्त का हिस्सा नहीं था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊना जिला जो था वो त्रिगर्त क्षेत्र का जो है हिस्सा नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का पुराना नाम किरग्राम था। तो ये सभी को पता होगा, बैजनाथ का पुराना नाम जो था वो किरीग्राम था। तो ये एचपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2013, 2009 और 2010 में जो है ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये अपकमिंग एग्ज़ाम में जो है आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को जो है आप जरूर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी जो है एच पी जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता लग सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में नगर कोट के किले का निर्माण किसने कराया? तो प्राचीन काल में किसने करवाया था? ये सुशर्मा चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया। तो गुलेर का वह शासक जिसके शाहजहां ने जो है शेर अफगान का नाम दिया था, कौन सा था शासक? वो था मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल फूंका। तो वो कौन सा राजा था? बिधि चंद राजा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि निम्न में से किसके बीच हुई? तो ये तो हुई थी संसार चंद वे रणजीत सिंह के बीच में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको जो है नेक्स्ट पार्ट भी जो है मिल सके। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के जो है आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो उसका आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें तो उसकी वीडियो जो है आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कांगड़ा जिले में स्थित नहीं है? तो कांगड़ा जिले में सबसे पहले आप देखें क्या क्या स्थित है। तो इन्होंने पूछा है क्या नहीं है, तो ये ध्यान में रखें। तो ब्रजेश्वरी मंदिर भी है कांगड़ा में, चामुंडा मंदिर भी है कांगड़ा में, शहीद स्मारक भी है कांगड़ा में। तो पंचपुला जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित नहीं है। तो इसका डी जो है राइट जो है इन्होंने बता रखा है, पंचपुला। तो 51 क्वेश्चन, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो ये इजी क्वेश्चन है,
ये सभी को आता होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जल्द से जल्द। तो इसका मैं जो है आपको आंसर नहीं बताऊंगा, पर कई कैंडिडेट्स जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो इसका जो राइट आंसर है धमेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामिन नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का क्या नाम था, नया नाम क्या था? तो उसका नाम था नूरपुर। तो मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि जो नूरपुर का जो नाम था ये किसके नाम पर जो है रखा गया था। तो यह आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हमें पता लग सके कि आपको जो है ये सिंपल क्वेश्चन आता है या नहीं। तो नूरपुर का जो नाम था ये किस नाम से बना हुआ है, तो आप नीचे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिगर्त किस स्थान का प्राचीन नाम था? तो त्रिगर्त जो है ये कांगड़ा का, सिंपल क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा था ड्राइंग मास्टर 2011 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पहाड़ी रियासत का नाम बताइए। तो त्रिगर्त तो जी ये प्राचीनतम पहाड़ी रियासत थी, 2014 PTI 2014 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दलाई लामा धर्मशाला आए थे कब आए थे? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1959 में जो है ये दलाई लामा धर्मशाला आए थे, 2012 JVT एग्ज़ाम में जो है ये पूछा गया है, और HP एलाइड सर्विसेज प्री एग्ज़ाम 2010 में भी ये पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा किला जाना जाता है किस नाम से? तो ये सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, नगर कोट और भीम कोट, तो दोनों नाम से जो है ये कांगड़ा किला जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो सबसे प्राचीन जो है त्रिगर्त, हिमाचल प्रदेश का प्राचीन जो है राज्य त्रिगर्त है, कांगड़ा, जिसको अब कांगड़ा नाम से जो है जानते हैं सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्मया तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्लर्क 2010 में पूछा गया था, कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1848 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का नूरपुर राज्य वह पहला राज्य था जहां ब्रिटिशरों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के नेता थे राम सिंह पठानिया, राम सिंह पठानिया जो है इस विद्रोह के नेता थे। तो ये HP फीमेल हेल्थ वर्कर 2012 एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, गुलेर रियासत की स्थापना 2014 ईस्वी में किसने की थी? तो गुलेर रियासत की स्थापना जो थी हरिचंद ने की थी। तो ये HAS प्री एग्ज़ाम 2011 में जो है पूछे गए हैं, तो ये आपके अपकमिंग HAS का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी जो है ये पूछे जा सकता है क्वेश्चन। तो ये थे आज हमने 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करे हैं, तो ये पार्ट टू था। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट थ्री होगा, तो उसमें जो है HP GK का जो है हम जो सीरीज ये स्टार्ट की है तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की जो है नोटिफिकेशन मिल पाए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी जो है HP GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको पता लग सके और उनका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।